नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कीम के बारे में जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि कबाड़ियों से आप पैसा कमा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि 13 अगस्त को वाहन कबाड़ नीति को लॉन्च किया। इस दौरान बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम पॉलिसी भारत के विकास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का आज शुभारंभ हो गया है। उन्होंने गुजरात में हो रहे इन्वेस्टर समिट में कहा कि पॉलिसी के आने से युवाओं को नौकरी मिलेगी और स्टार्टअप को बिजनेस करने का मौका मिलेगा। मैं अपने युवाओं और स्टार्टअप से इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करेगी। वाहनों को स्क्रैप करने से पर्यावरण के अनुकूल तरीके के अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाया जा सकेगा। हमारा उद्देश्य एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाना है। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने इसके चार फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी से समान परिवार को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। उन्होंने पहला लाभ बताते हुए कहा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट उनके पास होगा, उसे नई गाड़ी को खरीद कर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मॉनिटरिंग कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट, फ्यूल इफिशियंसी, इसमें भी बचत होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इसका तीसरा लाभ सीधा उसके जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक होगा, जिससे मुक्ति मिलेगी। चौथा लाभ बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे हमारे स्वास्थ्य पर्यावरण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। आइए अब जान लेते हैं क्या है ये स्क्रैप पॉलिसी। नई स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप यानी कि कबाड़ कर दिया जाएगा। यह भी कहा गया है कि कमर्शियल गाड़ियों जहां 15 साल के बाद कबाड़ घोषित होंगी, वहीं निजी गाड़ियों के लिए समय जो है वो 20 साल निर्धारित किया गया है। इसे आसान भाषा में कहें तो अपनी 20 साल पुरानी निजी कार को रद्दी माल की तरह कबाड़ में बेच दिया जाएगा। वाहन मालिकों को तय समय पर ऑटोमेटेड फिक्स्ड सेंटर पर जाना होगा। सरकार का दावा है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से वाहन मालिकों का न केवल नुकसान कम होगा बल्कि उनके जीवन को सुरक्षा भी प्रदान होगा। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार कमी देखी जा सकेगी। इस पॉलिसी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आंध्र प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने इसके कई फायदे गिनाते हुए कहा कि एक आंकड़े के मुताबिक पुरानी कार चलाने पर एक व्यक्ति को हर साल 30 से 40 हज़ार तक का जो है नुकसान होता है, यानी कि उन्हें पैसे जो है एक्स्ट्रा वहन करने पड़ते हैं। एक ट्रक मालिक को सालाना जो है 2 से 3 लाख रुपये का नुकसान होता है। इसी नई स्क्रैपिंग पॉलिसी से एक नई आर्थिक नुकसान कम होगा। देश में फिलहाल 50 से 60 लाख पुराने वाहन रजिस्टर्ड हैं, कुछ पहले ही स्क्रैप किए जा चुके है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के अगले 3-4 साल में सिर्फ 15 से 20 लाख नए वाहनों को ही सेल होगी। तो ऐसे में जो है नया स्क्रैप पॉलिसी जो है वो पर्यावरण के लिए खासकर बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की गैसें जो है वो निकलती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।